सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल. मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल. गाइज आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास हो सकता है या होने वाला है आप कह सकते हैं, बिकॉज आज शाम 4 बजे एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल लाइव होने वाले हैं और आज वो डायरेक्ट बात करेंगे टीचर से और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होने वाला है. गाइज मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे निराश भी हैं, पेरेंट्स भी निराश हैं, क्योंकि 10th of December को एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा, उम्मीदें हमारी बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है, कि पोस्टपोन होगा, काफ़ी कुछ होगा, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ और इसीलिए बच्चों में निराशा है और शायद इसीलिए आज के लाइव सेशन को लेकर के गुस्सा भी ज़्यादा है. लेकिन गाइज फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज 4 बजे एजुकेशन मिनिस्टर लाइव होंगे, लेकिन हम लाइव हो जाएंगे 3:30 बजे से पहले लाइव हो जाएंगे. आप सभी लोगों को रहना है और मैं आज रहने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि कल कुछ खास हुआ है. कल क्या हुआ है मैं आपको बता दूं. आपको पता है कि कल शाम 6 बजे एजुकेशन मिनिस्टर लाइव हुए थे फॉर जेई मेन एग्जाम 2021, उसके बारे में अपडेट देने के लिए. और उससे भी पहले एक घटना हुई थी कि परसों यानी कि ट्यूसडे को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने जेई मेन को लेकर के, एग्जाम 2021 को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया था अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद में उस पूरे नोटिफिकेशन को यह कह करके वापस ले लिया गया कि फाइनल जो एग्जाम डेट्स थे वो कन्फर्म नहीं हो पाए थे, ठीक है. लेकिन कल शाम जब 6 बजे लाइव हुए एजुकेशन मिनिस्टर, तो उससे पहले तक भी हाल यही था कि स्टूडेंट्स में गुस्सा बहुत ज़्यादा था. जो जेई मेंस वाले के लिए सोच के चल रहे हैं उनके मनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, गुस्सा था. लेकिन कल शाम 6 बजे जब वो लाइव हुए तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल करके आई और उनका पहला स्टेटमेंट था कि सारा डिसीजन, सारा फैसला लिया गया है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स यानी कि जो जो लोग जुड़े हुए हैं इन एग्जाम से, उनसे राय विचार विमर्श करके ही ये सारा फैसला लिया गया है. तो क्या क्या जेई मेन एग्जाम को लेकर के देखो क्या क्या अपडेट्स हुआ, मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहला अपडेट ये फाइनल हो चुका है कि जेई मेन 2021 एग्जाम जो है वो 4 times होगा एक साल में, ठीक है. ये लिया जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है. एग्जाम शुरू जो होगा, पहला एग्जाम जो होगा वो फर्स्ट एग्जाम शुरू होगा आपका 23 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2021 तक में, ठीक है. अब यहां पे अर्लियर पहले जो हुआ था मैंने आपको बता दिया कि एनटीए ने परसों एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसको वापस लिया था, कंफ्यूजन काफी था, ठीक है. लेकिन अभी जो नई चीजें जो निकल करके आई हैं सारे लोगों से डिस्कशन करने के बाद में, और अब ये फाइनल हो चुका है कि जेई मेन एग्जाम जो होगा उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैं आपको बता दूं, 90 question का होगा, ठीक है. 90 question में से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स को ओनली 75 और बचे हुए जो 15 questions हैं उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है. एग्जाम जो है ये आयोजित किया जाएगा 13 भाषाओं में और सबसे खास बात यह है कि 4 बार एग्जाम कंडक्शन होने की वजह से जो बच्चे पहले बार में, उनका अगर मान लो कि वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो अपनी गलतियों से सीखेंगे, ड्रॉपर्स को चांस मिलेगा, तो मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो अब खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो ये सारे वो शॉर्ट में मैंने आपको अपडेट्स बताए. वैसे मैं जेई मेन में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सारा मैं आपको उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, अपलोड करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मांगा है उसके बारे में अपडेट्स. तो गाइज यहां पे अभी पहले आप लोग समझ जाओ कि आज का दिन खुशखबरी से भरा हो सकता है, बिकॉज जैसा पता चला है कि सिलेबस रिडक्शन पे भी बात चल रहा है, कुछ ऑफिशियल से बात करने पे ये पता चला. लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज एजुकेशन मिनिस्टर वो बताते हैं कि नहीं बताते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये काफ़ी बड़ा देखने का चीज़ है. वैसे एक बात को अगर आप लोग गौर करो तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं पता कि 10 तारीख को उन्होंने क्या बोला और उसके बाद में सारे स्टूडेंट्स का ऑल ओवर इंडिया से क्या रिस्पॉन्स रहा, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स, टीचर्स, सबका. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीज़ें निकल करके आ सकती हैं क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एग्जाम पोस्टपोनमेंट को लेकर के नेगेटिव बात अभी तक नहीं कहा गया है. ये कहा गया था कि सिचुएशन को देखा जाएगा, ठीक है. तो मतलब संभावना बनी हुई है, बहुत बड़ा चांसेस है. और दूसरा कि सिलेबस रिडक्शन करने के लिए सारे चीज़ों पे विचार किया जा रहा है ये कहा जा रहा है, ये कहा गया है. कल का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, तो मतलब आज काफ़ी कुछ हो सकता है बेटा. तो हम सभी को बने रहना होगा, 3:30 बजे से पहले आप लोग लाइव हो जाना, डेटा वेटा पैक सारा चीज़ रेडी रखना, एकदम ख़त्म नहीं होना चाहिए जितना देर लाइव सेशन चले, हमको रहना है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को ट्वीट्स की झड़ी लगानी है, उनके लाइव सेशन में आप डालते रहो, ठीक है. हम भी लाइव रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आपको मेरे पास में पहुंच जाना है 3:30 बजे से पहले. सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए. कल काफी बच्चे बोल रहे थे कल के शाम के 7 बजे के लाइव सेशन में कि सर
हमको नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो बेटा शायद आप लोगों ने ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा। सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाने से नहीं होता है, सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद में आपको बेल आइकॉन को प्रेस करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। एक बार आपने ऑल नोटिफिकेशन कर दिया तो सारे लाइव सेशंस, इंपॉर्टेंट वीडियोज, जो भी ऑनलाइन सेशंस है, सबके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। जैसे ही मैं यहां कुछ वीडियो डालूंगा आप तक पहुंचेगा, जैसे ही मैं लाइव सेशन लूंगा आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो आज का दिन बहुत खास है, हमें बने रहना होगा और पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ो, मैं तो बस यही कहूंगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी इस वीडियो में बस इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।